नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। 16 दिन में उनके 7 टेस्ट हुए थे। एक टेस्ट लखनऊ में किया गया था और 6 टेस्ट पीजीआई ने किया था। शुरुआती 5 टेस्ट में पॉजिटिव और 6ठा और 7वां टेस्ट नेगेटिव आया था। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद वो अपने घर में क्वारंटाइन में रही है। अब ठीक होने के बाद उनका इंस्टाग्राम पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट आया है जो हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए। मुझे पता है कि मेरे बारे में कई तरह की कहानियां घूम रही है। कुछ कहानियों ने इसलिए टूल पकड़ा क्योंकि मैं चुप थी, लेकिन मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं गलत नहीं थी, बल्कि इसलिए चुप थी क्योंकि लोगों को गलत फहमी हुई है और गलत जानकारी दी गई है। मैंने इस बात को समय दिया कि सच खुद ब खुद सामने आएगा और लोगों को सच खुद पता चल जाएगा। मैं अपने परिवार, दोस्तों और सपोर्टर का शुक्रगुजार करती, उन्होंने मुझे समझा कि जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊं तभी वो मुझसे बात करें। अब मैं आशा करती हूं और दुआ करती हूं कि आप सभी इस वक्त सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करूंगी। मैं अपने घर लखनऊ में अपने माता पिता के साथ हूँ। मुंबई, यूके या लखनऊ में जिन भी लोगों के संपर्क में मैं आई, उनमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए, यहाँ तक कि उनके टेस्ट भी नेगेटिव आए। मैं 10 मार्च को यूके से मुंबई आई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट भी हुआ था। उस वक्त कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी। यूके में ट्रेवल एडवाइजरी 18 मार्च को जारी हुई थी, जिसमें लिखा था कि मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, मगर मुझ में कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन नहीं किया। मैं अपने परिवार से मिलने के लिए 11 मार्च को लखनऊ आई थी डोमेस्टिक फ्लाइट से। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी। 14 और 15 मार्च को मैं अपने दोस्त के यहाँ लंच और डिनर पर गई थी। वहाँ पर मैंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी या होस्ट नहीं की थी और मैं उस समय ठीक भी थी। 17 और 18 मार्च को मुझमें हल्के लक्षण नज़र आने लगे, इसलिए मैंने 19 मार्च को टेस्ट कराया और 20 मार्च को जब पता चला कि टेस्ट पॉजिटिव है तो मैं अस्पताल गई। डिस्चार्ज होने के बाद से मैं 21 दिन तक अपने घर पर ही हूँ। मैं खास तौर पर डॉक्टर और नर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरी देखभाल की, और मैं आशा करती हूँ कि सभी को इस मैटर को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ डील करें। इंसान पर नकारात्मकता थोपने से सच्चाई नहीं बदलती। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।